स्वागत है आपका मेरा न्यू ब्लॉग वीडियो में फ्रेंड। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ राजा महाराजाओं की नगरी में। जी हाँ फ्रेंड, आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, इंदौर सेंट्रल संग्रहालय में आपको लेकर आया फ्रेंड। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड, आप लोगों को राजा महाराजा वाली फीलिंग में लेकर आऊंगा फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर अभी हम संग्रहालय के अंदर चलेंगे, आप मेरे पीछे बोर्ड देख ही सकते हैं फ्रेंड। जस्ट जू के पास पे संग्रहालय बना हुआ है और यहाँ पर हम इतिहास की बहुत पुरानी चीजों को देखेंगे, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड, तो वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ फ्रेंड, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा फ्रेंड, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और धूप भी अच्छी खासी हो रही है फ्रेंड, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। तो चलते हैं म्यूजियम के अंदर आज का वीडियो में, तो स्किप मत करिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो बाहर से तो बहुत ही सुंदर बना हुआ फ्रेंड संग्रहालय, आप देख ही सकते हैं, ये मेन गेट है यहाँ का, यहाँ से हम अंदर के लिए एंट्री करेंगे और बहुत ही सुंदर बना हुआ आप देख ही सकते हैं, चारों तरफ का दृश्य बहुत ही सुंदर बना हुआ, बहुत ही सुंदर सुंदर बहुत ही पुराने मूर्तियां बनी हुई है फ्रेंड। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड, तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड यहाँ से हम अंदर की तरफ चलेंगे, पहले हमने टिकट काउंटर से टिकट ले लिया, यहाँ पर मात्र 20 रुपए टिकट शुल्क है फ्रेंड। और आप फैमिली के साथ यहाँ पर घूमने आएंगे तो बहुत ही मजे करेंगे फ्रेंड, और बहुत अपने इतिहास के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी फ्रेंड। तो चलते हैं, संग्रहालय के अंदर, तो वीडियो में बने रहिएगा, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं आपको सारी चीजें एक एक करके पास से दिखाऊंगा फ्रेंड। तो चलते हैं अंदर की तरफ, यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर हम आ चुके हैं फ्रेंड, ये देख ही सकते हैं आप, यहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई है फ्रेंड, आप देख ही सकते हैं। मैं फर्स्ट फ्लोर पर आ चुका हूँ और चारों तरफ यहाँ पर इतिहास की पुरानी मूर्तियां बनी हुई है, आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर पूरी हिफाजत के साथ इनको रखा गया है और बहुत ही देखरेख के साथ रखा गया है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर पूरा ड्राइंग बनी हुई है और काफी पुरानी और बहुत ही सुंदर सुंदर ड्राइंग बनी हुई है, आप देख ही सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको ड्राइंग भी दिखाऊंगा फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया बना हुआ और बहुत ही सुंदरता के साथ यहाँ पर इनको रखा गया काफी साल। ड्राइंग वाला एरिया, यहाँ पर सारी ड्राइंग रखी हुई है, आप यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर चढ़ के आएंगे तो पहले आपको पुरानी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी, उसके बाद ये ड्राइंग वाला रूम मिलेगा, यहाँ पर सारी प्रकार की सुंदर सुंदर ड्राइंग हॉल पर रखा गया है फ्रेंड। तो अब आगे, तो फ्रेंड जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, यहाँ पर सारे वो हथियार रखे हुए हैं जो राजा महाराजा उस समय आज से 100 साल 200 साल पहले यूज किया करते थे। तो यहाँ पर एक अलग से कक्ष बनाया हुआ है, मैं एक एक करके अभी आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही सुंदर दृश्य है फ्रेंड, तो वीडियो में बने रहिएगा।
तो फ्रेंड यहाँ पर उस समय के जो भी हथियार यूज किया करते थे राजा महाराजा, वो सारे यहाँ पर एक अनमोल धरोहर के रूप में सजा कर रखा हुआ। फ्रेंड यहाँ पर आप लोग आओ तो इत्मीनान के साथ, पूरी फैमिली के साथ, यहाँ पर हमारे इतिहास के समय पे किन किन हथियारों को यूज किया जाता था फ्रेंड, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सर। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर कुछ तोपे रखी हुई है फ्रेंड, ये उस समय की तोपे हैं, उस समय ये यूज किया करते थे, पता नहीं कैसे बनाई जाती थी फ्रेंड, लेकिन देखने में बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही सुंदर फ्रेंड। उस समय के तोपे हैं, उस समय यूज किया करते थे फ्रेंड राजा महाराजा जब भी लड़ाई होती थी। तो मैं दिखाता हूँ, काफी भारी है फ्रेंड, मैंने इनको हाथ लगा तो हिल भी नहीं रही, पता नहीं उस समय के लोग कैसे यूज किया करते थे फ्रेंड, बहुत ही भारी है फ्रेंड और ये पीतल की बनी हुई है, बहुत ही हैवी वेट है इनका फ्रेंड। तो चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर, मैं तीसरे कक्ष में आ चुका हूँ और यहाँ पर जो उस समय की बहुत सारी चीजें रखी हुई है, आई होप आप लोगों को मैं पास से दिखाता हूँ। सारी चीजें यूज की रखी हुई है फ्रेंड, जो उस समय इंसान आदि मानव हुआ करता था, उस समय से लेकर मोहनजोदड़ो से लेकर सारी चीजें यहाँ पर संग्रहित करके रखी हुई है। मैंने एक एक करके आपको सभी को दिखाई है फ्रेंड, आई होप वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यहाँ के द्वारा उस समय जो चीजें आदि मानव के समय से जो चीज यूज होती थी वो सब यहाँ पर संग्रहित करके रखी हुई है फ्रेंड, मोहनजोदड़ो के समय से भी रखी हुई है यहाँ पर। जो उस समय राजा महाराजा की समय में जो चीजें यहाँ पर, ज्यादातर चीजें पत्थर से बनी हुई है फ्रेंड, पत्थर का उस समय बहुत ही हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था फ्रेंड, और मिट्टी के बर्तन भी है काफी पुराने, 100-100 200-200 400-400 साल पुराने पत्थर यहाँ पर रखे हुए फ्रेंड। वहां से आप स्टार्ट करोगे तो जो इंसान की आदि मानव वाली जनरी थी, जो इंसान स्टार्टिंग में आदि मानव हुआ करता था फ्रेंड, वो वहां से आप स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो राजा महाराजा उस समय यूज किया करते थे वो सारी चीजें भी यहाँ पर संग्रहित की हुई है। तो चल
तो फाइनली फ्रेंड ये है हमारा लास्ट कक्ष, जहाँ पर हमारे पुराने समय के मूर्तिकारों की सुंदर सुंदर अद्भुत कलाकृतियों का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है फ्रेंड। बहुत ही सुंदर कलाकृति थी उस समय के मूर्तिकारों की, जो सुंदरता के साथ उन्होंने यहाँ पर मूर्ति बनाई है, देखने लायक और मनमोहक मूर्तियाँ फ्रेंड आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो भी इष्ट देवी देवता उस समय हुआ करते थे, सारी उनकी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हुई है फ्रेंड। सारी मूर्तियाँ हैं अलग अलग शताब्दी की है, अलग अलग सन की है, और बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई है। एक तरीके से यूं बोला जा सकता है फ्रेंड, उस समय के जो कलाकार हुआ करते थे, आज के समय में इम्पॉसिबल है फ्रेंड इन मूर्तियों को बनाना। तो इस तरह की डिजाइन इनके ऊपर की गई हुई, इतनी बारीकी से इनके ऊपर डिजाइन किया हुआ है कि बहुत ही देखने में अद्भुत लगता है फ्रेंड। तो ये था इन लोगों का सेंट्रल संग्रहालय फ्रेंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहूंगा और फुल एंटरटेनमेंट आपको करता रहूंगा। और आप भी फैमिली के साथ सेंट्रल इंडिया के म्यूजियम में घूमने आ सकते फ्रेंड। बहुत ही सुंदर दृश्य बना हुआ है और बहुत ही सुंदर बना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर।